आज भारत की संसद में 10% आरक्षण और जिनको आरक्षण नहीं मिला था उनके लिए 10% आरक्षण घोषित होकर संसद में वह संवैधानिक प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है। 5 राज्यों में मोदी जी ने चुनाव हारने के बाद यह एक चुनावी जुमला और लॉलीपॉप है। कहा तो जा रहा है आरक्षण है, पर यह आरक्षण में 10% मुस्लिम और क्रिश्चियन को भी सम्मिलित किया है और यह 4.5 वर्षों के बाद आया। मोदी जी यदि इसके बाद 2014 में चुनाव जीतने के बाद तुरंत यह लाने का काम क्यों नहीं किया तो अब तक उनका कार्यान्वयन हो जाता। इट इज टू लिटल टू लेट, अब चुनाव आ जाएगा, शायद मोदी जी कहेंगे कि उनका इम्प्लीमेंटेशन करना है तो हमें 5 वर्षों के लिए मौका दीजिए। किसी की चिंता न की, न सवर्णों की, न ओबीसी की, न एससी की, न एसटी की, न व्यापारियों की, न युवाओं के रोजगार की, न किसान की। और 4.5 वर्षों के बाद जब 5 राज्यों में हार गए, ये कदम उठाया कब, कठम उठाया जब गुजरात में पटेल आंदोलन करने वाले 14 युवाओं को यही भाजपा की सरकार ने गोलियों से मारा, महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन की मांग करने वाले 41 मराठा युवाओं की जान चली गई, उत्तर प्रदेश हरियाणा में जाट आंदोलन करने वालों पर लाठियां गोलियां चली, मंदसौर में 6 किसानों की छातियों में गोली मारकर मार दिया गया। और 4.5 वर्षों में 55,000 देश में किसानों ने आत्महत्या की, बेरोजगारी के कारण कई युवाओं ने आत्महत्या की, कई लोगों के धंधे बंद हो गए। इसके बाद उनको याद आता है और यह आरक्षण, आरक्षण के साथ मुस्लिम तुष्टीकरण भी है। मुसलमानों को कभी आरक्षण देने की बात हुई थी, सबने विरोध किया था, भाजपा ने विरोध किया था, और आज मोदी जी ने पिछले दरवाजे पर पठान को, मुगलों को, वोराओं को आरक्षण दे दिया। और मजे की बात है, हमारी बहन बेटी, हमारे युवान कागज लेकर आरक्षण की कतार में खड़े होंगे। वह आरक्षण की कतार में कोई पठान के साथ, मुगल के साथ हमें खड़ा करने दिया और आरक्षण पर वह शर्तों के साथ कहते हैं इतनी एकड़ जमीन होगी उनको नहीं मिलेगा। अरे यहां तो जिनके पास 15 एकड़ जमीन है उनको भी फसल का दाम नहीं मिल रहा है, इसलिए किसान आत्महत्या कर रहा है। इतने स्क्वायर फीट का घर होगा उनको नहीं मिलेगा, क्या कोई दयादान कर रहे हैं? शर्तों के आधार पर ऐसा लग रहा है कि सबको सड़कों पर खड़ा कर दिया। यदि यह देश में रोजगार देने का काम 4.5 वर्षों में होता तो
तो शायद लोग और सुखी होते, इसके साथ साथ आरक्षण भी देते और रोजगार भी देते। 2018 में 1,18,00,000 ये देश में रोजगार कम हुए। राज्य और केंद्र सरकार में लाखों लाखों जगह खाली हैं, जगह हैं, पैसे हैं, आप एडवर्टाइजमेंट करके भरवा देते तो देश के करोड़ों लोगों के घरों में खुशहाली आती। आपने 1,17,00,000 लोगों के रोजगार खा लिए और इसके अलावा जो रोजगार गए उनकी संख्या 5,00,00,000 से ज्यादा है। 5,00,00,000 लोगों को बेरोजगार किया, उनकी रोजगार की चिंता नहीं की। वॉलमार्ट कंपनी को बुलाकर देश में 6,00,00,000 दुकानें बंद करवा के 10,00,00,000 लोगों को बेरोजगार करने का काम किया। जो बड़े बड़े उद्योग पर टैक्स था उनकी तुलना में लघु उद्योग पर बहुत बड़ा कम टैक्स था। आज टाटा बिरला का टैक्स लघु उद्योग पर लगाकर 5,50,00,000 लघु उद्योग ऑक्सीजन पर बंद होने की कगार में है। और तब आरक्षण की बात की, मेरा प्रश्न है 4.5 वर्षों पहले क्यों नहीं किया, इतनी देरी क्यों? क्या 5 राज्यों में चुनाव हार गए इसलिए? और अब भी दिया तो शर्तों के आधार पर, कहा कि पूरे परिवार की आमदनी गिनकर, कहा कि टैक्स के पहले, अरे पेट्रोल के पैसे देकर, महंगी सब्जी के पैसे देकर परिवार चला नहीं पा रहे हैं और गिन रहे कि इतनी एकड़ जमीन होगी उनको नहीं मिलेगा, इतना घर होगा उनको नहीं मिलेगा, परिवार की इतनी आमदनी नहीं मिलेगा। ऐसा लग रहा है मानो कोई दयादान करके हम पर उपकार करने के लिए आया है, जिनको हमने अपने वोटों के आधार पर चुनकर भेजा वह आज हमें सड़कों पर कागज लेकर खड़ा कर रहा है। देना है तो सम्मान से देना चाहिए, देना था तो 4.5 वर्ष पहले देना चाहिए, देना था तो 41 मराठा युवान, 14 पटेल युवान और 52,000 किसान और बेरोजगार कई युवाओं को मरने के पहले देकर सम्मान से देना चाहिए। हमें ये देश में रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें सम्मान से जीने का अधिकार चाहिए। मोदी जी ने 4.5 वर्षों में यह नहीं किया और फिर एक चुनावी जुमला 15,00,000 रुपये जैसा, वर्ष में 2,00,00,000 रोजगार जैसा एक चुनावी जुमला देकर फिर से चुनाव जीतना, मानी एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक चुनाव जीतना ही जीवन का मकसद है। लोगों को रोजगार देना, लोगों को शिक्षा देना, दुकानों को बचाना, लघु उद्योग को बचाना, कोई किसान आत्महत्या न करे, कोई बेरोजगार युवा आत्महत्या न करे, ये जीवन का मकसद इस व्यवहार से नहीं दिखता है। हम मांग करते हैं कि देश में सभी युवाओं की रोजगार की व्यवस्था करो, सस्ती शिक्षा की व्यवस्था करो और कोई दयादान के लिए कठोरों पर नहीं खड़ता है। हम सब अपना अधिकार मांग रहे हैं और लोकतंत्र में हम सब अपना अधिकार लेकर रहेंगे।